मूवी का स्टार्ट डिज्नी लोगो से होता है। सिंड्रेला पार्ट टू। कैसल के अंदर सिंड्रेला के जो माइस फ्रेंड्स होते हैं जैक और गस, चैम्बर जा रहे होते हैं जहाँ फेरी गॉड मदर दूसरे सारे माइस को सिंड्रेला की स्टोरी सुना रही होती हैं। जैक और गस लेट हो जाते हैं और डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि फेरी गॉड मदर स्टोरी फिनिश कर देती हैं और कह रही होती है कि सिंड्रेला और प्रिंस हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। फिर माइस कहते हैं क्यों ना हम खुद स्टोरी बुक बनाएं। फेरी गॉड मदर कहती है ये अच्छा आइडिया है, बट जैक कहता है बुक रीड कौन करेगा। गॉड मदर कहती है सिंड्रेला रीड करेगी। फिर गॉड मदर माइस की हेल्प करती है और सब मिलके बुक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सिंड्रेला और प्रिंस अपने हनीमून से वापस आते हैं और किंग डिसाइड करते हैं कि रॉयल बैंक्वेट का सारा चार्ज सिंड्रेला को दिया जाएगा। सिंड्रेला बहुत डरी होती है बट प्रिंस सिंड्रेला को कहता है मैं हेल्प करूँगा, सब हो जाएगा। प्रिंस को कहता है हमें कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जाना है। प्रिंस जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता बट मान जाता है और सिंड्रेला को कहता है मुझे यकीन है तुम फेस्ट की तैयारी अच्छे से करोगी। फिर प्रिंस और किंग चले जाते हैं। फिर सिंड्रेला कैसल के अंदर जाती है और अपने माइस फ्रेंड्स और अपने डॉग ब्रूनो से मिलती है। फिर सिंड्रेला प्रिपरेशंस को लेके अपसेट होती है बट माइस कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। फिर प्रूडेंस जो एक थोड़ी एरोगेंट मेट होती है वो सिंड्रेला को उठाने आती है बट सिंड्रेला रूम में नहीं होती। सिंड्रेला ब्रेकफास्ट बना रही होती है। प्रूडेंस सिंड्रेला को दो और मेट से मिलवाती है, बीट्रस और डेफनी से मिलवाती है और कहती है प्रिंसेस अपना मेल खुद नहीं बनाती और कहती है मैं आपको टीच करूंगी, आप सब सीख जाएंगी। सिंड्रेला कहती है मैं ज़रूर सीखूंगी। फिर प्रूडेंस सिंड्रेला को प्रिंसेस ड्रेस पहनवाती है बट सिंड्रेला कंफर्टेबल नहीं होती। फिर सिंड्रेला फूड प्रिपरेशंस देखती है बट प्रूडेंस उसमें भी सिंड्रेला को सिखाती है। फाइनली सिंड्रेला कहती है मैं वेब ठीक से करूंगी। तभी सिंड्रेला के फ्रेंड्स मिलने आ जाते हैं। सिंड्रेला गेट खोलने को कहती है बट प्रूडेंस कहती है सिर्फ रॉयल विजिटर्स के लिए खुलता है, कॉमन लोगों के लिए नहीं। सिंड्रेला के फ्रेंड्स सैड होकर चले जाते हैं। सिंड्रेला ये देख सैड हो जाती है। फिर सिंड्रेला डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। सब सिंड्रेला से प्रिपरेशंस का पूछते हैं। सिंड्रेला कंफ्यूज हो जाती है और गिर जाती है। चैटमिन सिंड्रेला को उठाती है और सिंड्रेला अपने रूम में चली जाती है और रोती है और अपसेट होती है। जैक और गस और मैरी सिंड्रेला को कंफर्ट करते हैं और कहते हैं आई नो ये हार्ड टाइम है। फिर सिंड्रेला मैरी के रुमाल से अपने टीयर्स साफ करती है और डिसाइड करती है कि वो जो है वो वही रहेगी और बैंक्वेट को अपने तौर पे प्रिपेयर करेगी। सिंड्रेला गस के साथ डांस करती है। सिंड्रेला विलेज आती है और विलेजर्स को इन्विटेशन कार्ड देती है। प्रूडेंस सिंड्रेला को कहती है हमें ड्यूक्स को इनवाइट करना है। सिंड्रेला कहती है आई नो, सबके साथ हमें विलेजर्स को भी बुलाना है। रॉयल डिजर्ट से प्रोनेस भी हटवा देती है और कैसल के कर्टन्स भी खुलवा देती है और सबको अलाउ कर देती है, सब फ्रीली अपनी मर्जी से डांस कर सकते हैं। सिंड्रेला सारी प्रिपरेशंस अपने तरीके से कर रही होती है। प्रूडेंस सिंड्रेला को उसके तरीके से सब कुछ करने के लिए छोड़ देती है और कहती है आई होप सिंड्रेला को पता हो कि वो क्या कर रही है। फिर रॉयल बैंक्वेट स्टार्ट हो जाता है और सिंड्रेला रेडी हो जाती है। फिर किंग आते हैं और सारे चेंजेस देख के हैरान हो जाते हैं और डेफनी से डिजर्ट किंग पे गिर जाती है। किंग गुस्सा हो जाते हैं। सिंड्रेला एक्सप्लेन करती है। किंग विंडो से व्यू देखते हैं और खुश हो जाते हैं और सबको डांस करने को कहते हैं। फिर प्रिंस भी आ जाता है और प्रूडेंस सिंड्रेला की तारीफ करती है। फिर किंग सिंड्रेला को क्राउन पहनाते हैं और सिंड्रेला प्रिंसेस बन जाती है और प्रिंस कहता है मुझे अच्छा लगा तुमने सब कुछ अपने तरीके से किया। सिंड्रेला कहती है आई होप मैं एक प्रिंसेस थिंग ठीक से करूँ। प्रिंस कहता है तुमने की है और प्रिंस और सिंड्रेला किस करते हैं और यहाँ पे बैंक्वेट खत्म होता है। माइस सिंड्रेला बुक बना रहे होते हैं। फेरी गॉड मदर जैक की इंक बॉटल खोलने में हेल्प करती है। जैक कहता है मुझे मैजिकल स्टफ़ पसंद नहीं। गस सबको मैजिक के साथ लास्ट इनकाउंटर याद दिलाता है मैरी को इम्प्रेस करने के लिए। फिर जैक फेरी गॉड मदर को अपनी स्टोरी सुनाने के लिए अलाउ कर देता है। सिंड्रेला के माइस फ्रेंड जैक को लगता है कि वो सिंड्रेला की हेल्प करने के लिए बहुत छोटा है जैसे फर्स्ट मूवी में था। फेरी गॉड मदर जैक को हेल्प ऑफर करती है और जैक कहता है उसे एक इंसान में बदल दो ताकि वो सिंड्रेला की हेल्प करे जैसे दूसरे करते हैं। और सब यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। पैलेस में न्यू पॉम पॉम कैट होती है जो कैसल में माइस की न्यू एनिमी होती है। जब सारे माइस सिंड्रेला के साथ कैसल में मूव हुए थे और पॉम पॉम लूसीफर का क्रश बन गई थी और पॉम पॉम को लगता है कि जैक ह्यूमन फॉर्म में 10 माउस जीतना है। जैक सिंड्रेला की फेयर के लिए हेल्प करने की कोशिश करता है ब
बट कर नहीं पाता। और जैक के पीछे एक लेडी पर्च आती है और जैक बहुत परेशान हो जाता है। फेयर स्टार हो जाता है और फेयर में एलिफेंट का इंसिडेंट हो जाता है और जैक को रियलाइज होता है कि वो जो है उसी वही रहना चाहिए। फेरी गॉड मदर जैक को फेयर माउस में बदल देती है और जैक फेयर को ख़राब होने से बचा लेता है। सिंड्रेला जैक का थैंक्स करती है और जैक बहुत खुश होता है और जैक और मैरी एक को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और पॉम्पम अपनी ओनर के पास चली जाती है जो जैक से डर गई थी। फिर जब सब माइस बुक बना रहे होते हैं तो एक माइस से मैजिक स्पेल आज सप्लाइज पे डाल देता है और स्पेल की वजह से सब कुछ मैसअप हो जाता है। बट फेरी गॉड मदर सब रोक देती है और मैसअप की वजह से सबको एनेस्थेशिया के फैलन लव की स्टोरी याद आ जाती है। फेरी गॉड मदर कहती है सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर एनेस्थेशिया। माइस कहते हैं हाँ। फिर माइस स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं। सिंड्रेला की जो स्टेप सिस्टर एनेस्थेशिया होती है वो एक बेकर के प्यार में पड़ जाती है बट एनेस्थेशिया के सिस्टर और मदर उसे डिसप्रूव कर देते हैं। एनेस्थेशिया की मॉम ग्रिजेला कहती हैं तुम एक रिच मैन से शादी करोगी और बेकर को भूल जाओ और ये सब कुछ बेकर की शॉप में ही होता है। सिंड्रेला ये सब कुछ देख रही होती है और सिंड्रेला को अच्छा नहीं लगता। फिर सिंड्रेला और माइस मिलके एनेस्थेशिया और बेकर को मिलवाने का ट्राई करते हैं। एनेस्थेशिया फर्स्ट टाइम अपनी मॉम के खिलाफ जाती है, दूसरी तरफ लूसिफर माइस के पीछे पड़ जाता है और इसी सब में एनेस्थेशिया हॉर्सेस से टकरा जाती है और बेकर की शॉप पर गिर जाती है। ब्रेड और एग रोल्स एनेस्थेशिया पर गिर जाते हैं और एनेस्थेशिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। एनेस्थेशिया को रियलाइज़ होता है कि वो बेकर से बहुत प्यार करती है और उसके बगैर रह नहीं सकती। सिंड्रेला एनेस्थेशिया के पास आती है और एनेस्थेशिया को अपने साथ अपने कैसल में लेके जाती है और एनेस्थेशिया का ह्यूज मेकओवर कर देती है और लुक्स चेंज कर देती है उसके बेटर के लिए। सिंड्रेला एनेस्थेशिया को इनकरेज करती है और कहती है अपने हार्ट की सुनो। सिंड्रेला एनेस्थेशिया को कहती है कल बेकर से मिलना और एनेस्थेशिया मान जाती है। लूसिफर सिंड्रेला के माइस के पीछे कैसल में आ जाता है और इसी समय लूसिफर पॉम्पम को देख लेता है और उसके प्यार में पड़ जाता है बट पॉम्पम लूसिफर को रिजेक्ट कर देती है और माइस अपने ओल्ड एनिमी लूसिफर की हेल्प करते हैं पॉम्पम को इम्प्रेस करने में। बट माइस कहते हैं प्रॉमिस करो हमें तंग नहीं करोगे। जब पॉम्पम और लूसिफर साथ आ जाते हैं पॉम्पम लूसिफर को प्रॉमिस तोड़ने को कहती है और माइस को पकड़ने को कहती है और इसी चक्कर में लूसिफर पॉम्पम में पानी के बकेट फेंक देता है और पॉम्पम लूसिफर को डंप करके चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकर एक हार्ट शेप फ्लावर एनेस्थेशिया के लिए लेता है और एनेस्थेशिया भी लेती है। फिर एनेस्थेशिया बेकर को फ्लावर के साथ एक वूमन के साथ देखते हैं पर बेकर वूमन से पूछ रहा होता है क्या ये एनेस्थेशिया को अच्छा लगेगा पर एनेस्थेशिया गलत समझ लेती है, सोचती है बेकर को न्यू लव मिल गया है और रोते हुए दोबारा फाउंटेन के पास चली जाती है। बेकर एनेस्थेशिया के पास जाता है और एनेस्थेशिया को बॉल के लिए पूछता है। तभी वहाँ एनेस्थेशिया की मॉम और डिजेला आ जाते हैं और डिजेला कहती है एनेस्थेशिया गलत कर रही है, इसकी वजह से पूरे टाउन में हमारा मजाक बन जाएगा। पर एनेस्थेशिया सिंड्रेला की एडवाइस मानती है, बेकर के साथ रहती है और उसी से प्यार करती है। फिर बॉल पे एनेस्थेशिया बेकर के साथ डांस करती है और एनेस्थेशिया सिंड्रेला को भी थैंक्स करती है और सब बॉल में डांस करते हैं। फिर फाइनली माइस स्टोरी बुक कंप्लीट कर लेते हैं और सॉन्ग गाते हुए सिंड्रेला को बुक दिखाने चाहते हैं। माइस गिरने वाले होते हैं बट फेरी गॉड मदर माइस की हेल्प करती हैं। सिंड्रेला कहती है ये क्या है और गस कहता है ये बुक है हम सब की। सिंड्रेला को बुक अच्छी लगती है और कहती है क्या हम इसे साथ में पढ़ें। माइस कहते हैं हाँ। फिर सब फायर के सामने बैठते हैं। सिंड्रेला बुक रीड करना स्टार्ट करती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।